मेरे चैनल YouTube कुकिंग मास्टर में मैं रेनू आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कढ़ी। तो आप अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी बनाने। एक कढ़ी बनाने के लिए मैंने अंडे लिए हैं 10 से 15। यहाँ पे मैंने अंडे को बॉईल करके ऐसे इसका छिकला हटा लिया है। अब इसे हम फॉक की मदद से इसमें थोड़ा से ऐसे छेद कर देंगे ताकि मसाले अंदर तक इसमें घुस जाए और जब हम इन्हें फ्राई करें तो इसमें से तेल के छींटे भी ना आए। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 बड़ी प्याज को मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है, 5 से 7 लहसुन, 4 हरी मिर्च, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा और 2 टमाटर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाले लिए मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून बेसन और नमक हम रखेंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे लिया है कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी जावित्री, 1 दालचीनी, 4 से 5 लौंग और जीरा। तो यहाँ पे मैंने डाला है कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडे फ्राई करेंगे। तो अंडे फ्राई करते समय ध्यान दें कि इसमें छींटे बहुत आते हैं, इसलिए ढककर इसमें अंडे डालें। अंडे हमारे फ्राई हो रहे हैं। देखिए इस पर हल्की सी ब्राउन सी एक लेयर आ गई है। अब हम अंडों को निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए अंडे भी हम इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो हमने सारे अंडे को फ्राई कर लिए हैं। अब हम सेम तेल में डालेंगे हम खड़े मसाले। तो यहाँ पे हमने जो सारे खड़े मसाले लिए थे इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसे हम चलाते हुए अच्छे से थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल दे रही हूँ, साथ ही साथ इसमें बेसन भी डाल देंगे और गरम मसाले हम बाद में डालेंगे। मैं ग्राइंड किया हुआ टमाटर भी ऐड कर दे देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक भी हम यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल देंगे।
और मसालों को ढककर हम अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें। मसाले यहाँ पे थोड़े थोड़े पकड़ने लगे हैं तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले और अच्छे से भून जाएं। फिर इसे ढक देंगे मसाले ताकि अच्छे से पक जाए। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं, देखिए मसालों ने तेल भी छोड़ दिया बहुत अच्छे से। मसाला भूनते हुए हमें 8 से 10 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है, आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उतने हिसाब से पानी डालें। अब हम इसे ढक देंगे, जब इसमें एक उबाल आएगा फिर हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। ग्रेवी हमारी पकने लगी है, अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। डालेंगे थोड़ी धनिया। इसे मीडियम फ्लेम पे हम 7 से 8 मिनट के लिए और ढककर पकने देंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी एक कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। ये देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो हम इसे 5 मिनट और ढककर छोड़ देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक कढ़ी को सर्व करेंगे। थोड़ी सी हम ऊपर से धनिया की गार्निश करेंगे। देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप ये घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।